मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लखनऊ में अवैध हथियार और मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरफ्तार। दो तस्कर को गोमती नगर पुलिस और डीसीपी ईस्ट की टीम ने किया गिरफ्तार। कृपा नारायण और शाहरुख नामक तस्कर दबोचे गए। 5 किलो के करीब गांजा, चरस, 3 अवैध हथियार बरामद, 40 से अधिक कारतूस भी साथ में बरामद। दयाल पैराडाइज के पास घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। बिहार से देवरिया के रास्ते हथियार और गांजे की होती थी सप्लाई। पकड़ने वाली पुलिस टीम को 15,000 पुरस्कार दिया जाएगा। अशोक कुमार, लखनऊ, समाचार 24। पकड़े गए हैं, ये तीन मामलों में है और एक काफी चीन के पास से बरामद हुआ है। सीपी सर के निर्देशन में लगातार अपराध नियंत्रण की जो हमारी मुहिम चल रही है, इसमें पिछले कुछ दिनों में जो चरस और गांजा के साथ जो अभियुक्त गए हैं उनके ऊपर कार्य करते हुए मुखबिर लगाए गए थे सर्वेलांस के माध्यम से और उनके कनेक्शन को खंगाला गया। तो कल एक मुखबिरी सूचना प्राप्त हुई थी कि सुबह एक काले शीशा लगा हुआ जेन गाड़ी पर, बिल्कुल जिसमें से पारदर्शिता नहीं है, प्रेस लिख कर गाड़ी जा रही है, जिसमें दो अभियुक्त हैं और वो काफ़ी मात्रा में अवैध सामान लेके जा रहे हैं जिसमें गांजा और असला दोनों की बरामदगी हो सकती है। तो इस पे एसीपी गोमती नगर ने और एडीसीपी ईस्ट के निर्देशन में एडिशनल इंस्पेक्टर क्राइम रत्नेश सिंह और उनकी पूरी टीम, क्राइम टीम जो गोमती नगर थाने पे उन्होंने सक्रिय करके रखी है, इन सब के विरुद्ध एक घेराबंदी की और ये गाड़ी को सकुशल रोक लिया। 5:30 बजे आज प्रातः भोर में इन लोगों को दयाल पैराडाइज के आसपास जब रोका गया तो दया चौराहे से ही जनेश्वर मिश्र की तरफ जा रहे थे। रोक कर जब देखा गया तो इसमें काफ़ी मात्रा में गांजा, लगभग 5 किलो के अराउंड गांजा बरामद हुआ और अवैध असले इसमें बरामद हुए हैं। दो अभियुक्त जो पकड़े गए हैं उनके नाम कृपा नारायण कुशवाहा उर्फ शेरू, ये अजगैन जिला उन्नाव के रहने वाले हैं और हाल पता ये पारा में रह रहे थे। जो सूचना प्राप्त हुई थी कि ये पारा में रहकर गांजे की सप्लाई जगह जगह पर अलग अलग थाना क्षेत्र में छोटे छोटे अमाउंट में करते रहते हैं, लेकिन मूल तौर पर रात से लेकर सुबह के बीच में जो मूवमेंट होता है उसमें ये सप्लाई करते जाते हैं। और दूसरे इनके साथी हैं शाहरुख हुसैन जो बाजार खाला के रहने वाले हैं और इनकी उम्र 25 वर्ष है। तो इनके साथ जो बरामदगी हुई है आज उसमें लगभग 5 किलो नाजायज गांजा है, 47 ग्राम चरस भी है, 3 अदद अवैध असले मिले हैं जिसमें 2 .315 बोर के कंट्री मेड वेपन है और 1 .32 की पिस्टल है, जिन दोनों के इसमें राउंड भी मिले हैं, 39 अदद जिंदा राउंड मिले हैं जिसमें 10 राउंड 315 बोर के हैं और बाकी राउंड रिवॉल्वर और पिस्टल के हैं हमारे पास। और इसमें खाली खोखा भी ये लोग लेकर चल रहे थे और नाजायज एक गुप्ती मिली है जो कि एज अ बेटन की तरह उसमें नाइफ लगा होता है, उसको भी ये अवैध असले में या तो प्रोवाइड करते हैं ये मिला है। ये कुल